दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे ही नेचुरल ब्राउन कलर या फिर बरगंडी कलर पा सकते हैं अपने बालों में। जी हाँ, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना। एक ऐसा हिना पैक मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, ये जो पैक होगा ना, आपके बालों को आपका मनपसंद रंग तो देगा, साथ ही आपके बालों से जुड़ी हर समस्याओं को दूर करेगा। दोस्तों, मैंने ये हिना पैक बनाया है नेचुरल ब्राउन, क्योंकि बहुत ज्यादा बरगंडी कलर ना मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ, ये नेचुरल लगता है और बहुत ही बालों को अच्छी सी शाइन भी देता है। लेकिन अगर आप बरगंडी कलर चाहते हैं तो मैं एक ऐसी चीज बताऊंगी जिसकी मात्रा आपको ज्यादा नहीं है, फिर आप अपना मनपसंद बरगंडी कलर भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बगल में लगी घंटी बजा देना। तो चलो हम लोग हिना पैक बनाते हैं। तो हिना पैक बनाने के लिए मैं यहाँ पर लगभग 2 कप पानी ले लिया है और 3 चम्मच मैं चाय की पत्ती ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहले इसे उबाल लेंगे। दोस्तों, इसे उबालने में 3 से 4 मिनट लगता है। चाय की पत्ती हमारे बालों को नेचुरल शाइन देता है और बहुत ही प्यारा कलर देता है। तो जब भी आप हिना पैक बनाए तो हिना पैक को बनाने के लिए आप चाय की पत्ती का पानी इस्तेमाल करें। तो मैं हिना पैक बनाने के लिए लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मेरे बालों को आयरन मिल जाए और कलर भी बहुत ही प्यारा है। ये हम लोग कलर के लिए स्पेशली करते हैं। अगर आप कलर नहीं चाहते तो नॉर्मली आप किसी भी बर्तन में हिना पैक बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सिल्वर गोल्ड मेहंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा रेडिश आता है। अगर आप बरगंडी कलर या नेचुरल ब्राउन कलर चाहते हैं तो आप इस मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जो भी मेहंदी पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आंवला पाउडर, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। दोस्तों, ये इंडस वैली का आंवला पाउडर है, जिसकी मात्रा 40 ग्राम थी, तो मैं इसका हाफ यानी 20 ग्राम इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं ऐड कर रही हूँ दही, जो आधा कप है। दोस्तों, दही जो होता है वो नेचुरली कंडीशनर का काम करता है, प्राकृतिक कंडीशनर का काम करता है, बालों में बहुत अच्छी शाइन देता है, बालों को नरिश करता है। दोस्तों, आप कोई भी हिना पैक बना रहे हो या कोई भी हेयर पैक बना रहे हो तो आपको दही का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए उस पैक में। दोस्तों, अब मैं इसमें एक ऐसी चीज ऐड कर रही हूँ जो हमारे बालों को कलर देगा हमारा मनपसंद। दोस्तों, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ कॉफी पाउडर। यहाँ पे मैंने 10 रुपए वाला पैक लिया है, जो लगभग 6 से 7 ग्राम आता है। दोस्तों, इतना पाउडर बहुत ज्यादा इनफ है आपके बालों को नेचुरली ब्राउन कलर देने के लिए, नेचुरल ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर देने के लिए। लेकिन अगर आप बरगंडी कलर चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो कॉफी पाउडर है इसकी 3 गुना ज्यादा मात्रा ऐड करनी है। आप जितना कॉफी पाउडर ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो कलर होगा बालों का वो डार्क आएगा। तो जैसा भी आपको कलर चाहिए प्राकृतिक रूप से, आप अपने हिना में कॉफी पाउडर को ऐड कर सकते हैं। कॉफी पाउडर भी हमारे बालों को कलर देता है, शाइन देता है और बालों से जुड़ी हुई समस्या हल करता है। दोस्तों, ये जो हिना है ना, ये जो मेहंदी है, ये आपके बालों की हर समस्याओं को दूर करेगा। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चाय के पत्ती का पानी। दोस्तों, चाय के पत्ती का पानी हमें धीमे धीमे ऐड करना है, एक साथ ऐड नहीं करना। अगर हम एक साथ ऐड करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसमें गुठली पड़ जाएगी। तो गुठली ना पड़े, धीरे धीरे इसे मिक्स करिए और एक पैक तैयार करिए। दोस्तों, यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल मैंने पहले किया कि हम लोग कलर के लिए करते हैं और इसमें आयरन की मात्रा मिक्स हो जाए इसलिए करते हैं। दोस्तों, लोहे की कढ़ाई में जब हम मेहंदी रखेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगी, तो इसमें ना जो ब्लैक कलर होता है वो मिक्स हो जाएगा, तो जो कलर होगा वो ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर आएगा। एंड बरगंडी कलर के लिए भी आपको लोहे के कढ़ाई का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हमारे बालों को बहुत अच्छा कलर मिले और बालों में एक अच्छी सी आयरन की मात्रा मिल जाए और बालों में एक अच्छी शाइन हो जाए। दोस्तों, इस हिना को मैं लगभग 2 घंटे भिगो कर रखूंगी, ठीक है। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट या पूरी रात के लिए आप भिगो कर रख सकते हैं एंड दूसरे दिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, इसे लगाने के बाद हम लगभग 2 से 3 घंटे अपने बालों में ये हिना पैक लगा के रखेंगे और उसके बाद हम नॉर्मल पानी से धुल लेंगे। शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू हम लोग दूसरे दिन करेंगे। उस दिन भी हम लोग प्राकृतिक शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी हाँ, आप केमिकल फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब आप बालों को धुले, मेहंदी साफ करें, जिस दिन शैम्पू नहीं करना उस दिन आप रात में अपने बालों में अच्छे से ऑयल मसाज करिए। जी हाँ, जितनी अच्छे आप ऑयल मसाज करेंगे
उतने ही आपके बाल स्मूद रहेंगे। फिर दूसरे दिन आप शैम्पू कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने मेहंदी भी लगा ली है और अपने बालों में ऑयलिंग भी कर ली, उसके बाद शैम्पू भी कर लिया है और मेरे बाल कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये मेरे हिसाब से तो डार्क ब्राउन या नेचुरल ब्राउन आप कह सकते हैं, और मेरे बाल भी हल्का सा मतलब ब्राउनिश कलर मुझे पसंद है अपने बालों में, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं पसंद है। एंड मेहंदी का कलर बहुत ज़्यादा अजीब सा रेडिश आ जाता है, तो उस मेहंदी के कलर से, रेडिश कलर से बचने के लिए हम कॉफी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये हिना पैक जरूर ट्राई करना। ये हिना पैक ना कलर भी देगा, शाइन भी देगा, बालों से जुड़ी हर समस्याओं को दूर करेगा। लाइक आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बालों में बिल्कुल भी जान नहीं है, बेजान से नजर आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं, तो ये हिना पैक जरूर ट्राई करना। दोस्तों इस हिना पैक को आप हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो दोस्तों इसे ट्राई करना। ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।